हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग एक ऐसी टर्म है जो कॉइंड हुई थी ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, लेकिन इसको आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो सोचा आप सबको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बना दी जाए। तो इसको जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान, कोई पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर बच्चे को या अपने पार्टनर को सोसाइटी से आइसोलेट कर देंगे और उसकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेनली टॉपिक ऐसा है, ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है। तो ये साइकोथेरेपिस्ट रॉबिन स्टर्न ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। तो ये रिलेशनशिप्स को दर्शाता है कि मैन्युपुलेशन कैसे करते हैं, मैन्युपुलेशन कैसे हो सकती है। तो इसके कुछ बिहेवियर के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, डिस्प्यूट्स के टाइम पे वो कहा जाएगा कि आर यू श्योर अबाउट दैट, कि क्या तुम जो बोल रहे हो तुम उसके बारे में श्योर हो। तो ये 1938 में एक प्ले राइट था एक पैट्रिक हैमिल्टन, जिन्होंने लिखा था, ये थ्रिलर प्ले लिखा था, जिसके अंदर एक आदमी जो है वो अपनी वाइफ को उससे कुछ चुराने के लिए उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, जिसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। तो ये टर्म उस टाइम के बाद थोड़ी सी लो हो गई थी, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद 1940s में कुछ मूवीज़ भी बनी जिसके अंदर इसको दर्शाया गया और ये टर्म को पॉपुलराइज किया रॉबिन स्टर्न ने 2007 के अंदर। तो इसमें वो भी एक साइकोथेरेपिस्ट ही हैं, रॉबिन स्टर्न भी। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो मैन्युपुलेशन की टेक्निक्स का यूज़ करके कंट्रोल करते हैं लोगों को। ये पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, इन ऑर्डर फॉर सच अब्यूज टू एग्जिस्ट द म्यूचुअल पार्टिसिपेशन बिटवीन द गैस लाइटर, यानी कि जो व्यक्ति मैन्युपुलेशन कर रहा है और गैस लाइटी यानी कि विक्टम जो इसके अंदर मैन्युपुलेट हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, इट्स योर फॉल्ट, इट वॉज आई वॉज जॉकिंग, ऐसा कुछ कि आर यू श्योर अबाउट दैट, लाइक दिस। तो एक पर्सन को जब गैस लाइट किया जाता है तो वो एक्सपीरियंस करते क्या क्या चीज़ें, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन देमसेल्फ, वो खुद में विश्वास उनका कम होने लगता है। अगर ये एक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है विक्टिम को आइसोलेट कर देगा सोसाइटी से, और उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, वो उससे भी उसको दूर कर देगा। और जो गैस लाइटी है वो ऐसा बिहेव करना शुरू कर देगा कि वो सिर्फ अकेला ऐसा इंसान है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, नहीं तो किसी पे उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और वो उसको पूरी सोसाइटी से दूर कर देगा। तो ये रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जो इसमें गैस लाइटर होता है, मतलब जो व्यक्ति है जो मैन्युपुलेशन का काम कर रहा है, वो पुश करेगा अपने विक्टिम को डाउट करने को, अपनी सेंसेस पे डाउट करने को, उस पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा उसको डाउट कराने की। उसके बहुत सारे अप्रोचेस हो सकती हैं, जैसे डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं उसको, जैसे कुछ बोलने के बाद मना कर देना कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आर यू श्योर अबाउट दैट, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं लगता तुम्हें याद है कि क्या हुआ था, क्या तुम अपने ही दिमाग में चीज़ें बना रहे हो, ऐसा कुछ। ये उसके कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर ये आपको अपनी खुद की लाइफ में भी महसूस हो सकता है, अगर महसूस हो सकता है तो आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसे ही द एक्ट लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन और रिफ्यूज टू लिसन कन्विंसिंग द विक्टिम दैट दे मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड। और जो इंसान है वो विक्टिम की बातों को सुनना बंद कर देगा कि तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और फिर वो व्यक्ति खुद पे ही, जो विक्टिम होगा वो खुद पे ही ट्रस्ट उसका कम होने लगेगा, जैसे आर दे राइट, क्या वो सही है अपने काम में। और फिर ऐसे भी कुछ एग्जांपल आ सकते हैं कि वो सोचेंगे क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया विक्टिम की, ऐसी सोच हो जाएगी उसके बाद, और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होने लगेगा और उसको खुद पे डाउट होगा। तो इसमें साइकोलॉजी के अंदर ये दिखाया गया, ये एक साइकोलॉजिकल होता है, ये कॉन्सेप्ट जो ये है इसका साइकोलॉजिकल नेचर है। तो ये कॉमन फीचर है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके अंदर व्यक्ति दूसरों को बता नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो उसी में ट्रैप हो जाता है। और ये जो है स्टडीज़ जो हुई हैं वो बताती हैं
कि जो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है इसका, उसको उसको कंसीडर करना चाहिए कि व्यक्ति को ये फिनोमिना हुआ है उसके साथ, और उसको एक विक्टिम की बजाय उसको थोड़ा सा उसको सेंसिटाइज करना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। तो ये फिनोमिना है, ये कल्चरल स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं इसके। वाइल मैन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस अब्यूज ऑफ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर दैट सब्जुडिकेट वेमेन, डिप्राइव देम फ्रॉम पावर टू डिफाइन द मैंस रियालिटी, मेकिंग वीमेन मोर लाइकली टू विक्टिमाइज। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है लाइक आर्स, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वीमेन्स को ज़्यादा इसमें गैस लाइटिंग के केस में ज़्यादा फंसाया जा सकता है। इसमें आदमी भी इसका कुछ मतलब हो सकते हैं, विक्टिम मैन भी हो सकते हैं, वीमेन भी हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली द गर्ल। तो इसमें ऐसा है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें एक्स वाई जैसा कुछ कॉमन दिया गया है कि कोई एक्स पर्सन है वो वाई को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा वो एग्जाम्पल, आप इसको पॉज करें वीडियो को देखें। तो एक मूवी आई थी, द मूवी, इस मूवी का नाम था डार्लिंग्स, जिसमें आलिया भट्ट है। तो आप वो मूवी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें दिखाया गया है कि जो एडिक्शन है टुवार्ड्स रिलेशनशिप, डिनाइल ऑफ अब्यूज, इसका डिसोल्यूशन किया जाए, द डिफिकल्टी ऑफ इन एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड फाइनली रिकॉग्निशन ऑफ वंस रोल इन गैस लाइटिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है कि गैस लाइटिंग जो है वो वहाँ पे हो रही है, और वो विक्टिम जो है वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और फिर वो उसको कोशिश करता है उसे बाहर निकलने की। तो इस मूवी में ऐसा ही कुछ दिखाया गया, बिहेवियर्स, सामने वाले व्यक्ति की डिजायर्स हैं, उसकी फैंटसीज हैं, वो उसको जो गैस लाइटर है, आइडियलाइजिंग द गैस लाइटर एंड सीकिंग देयर अप्रूवल। तो उनका जो अप्रूवल है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस केस में हम जो देख सकते हैं कि जो गैस लाइटिंग है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर जैसा कुछ, एक रिलेशनशिप के अंदर ऐसा हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हो सकता है, कोई एक फ्रेंड दूसरे को खुद पे इतना डिपेंड कर ले कि वो तीसरे को फ्रेंड बनाने के बारे में ही ना सोचे, ऐसा हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच।